सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? कैसे हो यार? दिस इज सचिन एंड आज के समय बात करने वाले हमारे मेल के बारे में, जो कि आज आप सभी को 3:30-3:45 बजे के आसपास डीएसयू की तरफ से एक मेल आया होगा यार, कुछ इस प्रकार का आपके पास मेल आया होगा। इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये मेल क्यों आया है, इसका क्या पर्पस है एंड यार ये हमें फिल करना है या नहीं फिल करना है, इसका आगे का क्या फ्यूचर होगा, मतलब कि इस मेल को भरने के कारण की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड यार ये डीएसयू क्यों ले रहा है हमारे पास ये सर्वे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यार अपने मेल पे चेक करना, ठीक है, ये आप ही में से किसी ने ये मुझे मेल भेजा है, ठीक है, इसको मैं छोटा सा करके दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार का आपके पास मेल आया होगा, ठीक है। तो यहां पे शॉर्ट सर्वे फॉर द ऑल डीएसयू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया यहां पे सिक्योर्ड, ठीक है। तो वहां पे ये सभी को आप देख सकते हैं 4:45 बजे के आसपास का मेल है, तो ये सभी को मेल आया होगा यार जिसका डीएसयू में कंप्लीट यहां पे एडमिशन हो गया, ठीक है। जिसको नहीं आया उसकी टेंशन मत करना, इस फॉर्म का लिंक यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वहां से आप जाके फॉर्म डायरेक्टली भर देना, उसके डायरेक्टली भर सकते हो फॉर्म, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मेल नहीं आया फिर भी अगर आपके पास यहां पे कंफर्म हो गया एडमिशन, तो आप डायरेक्ट यहां पे मेल भर सकते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है मेल का हमारे पास आने का, ठीक है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट्स, यहां पे फिर थोड़ा बहुत यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कांग्रेचुलेशन डीएसयू में एडमिशन मिलने के लिए सिक्योरिंग द सीट, ठीक है। जो जिसको यार यहां पे सीट मिल गए सिर्फ और सिर्फ उसी को फेल यहां पे बनना है, क्योंकि यार इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं जिससे कि आपके यार ऑनलाइन क्लासेस प्लस आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्लस आगे का यहां पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्टली वी आर एक्नॉलेजमेंट द एफर्ट्स यू वुड हैव टू पुट ड्यूरिंग द पास्ट डिफिकल्ट 2 years ऑफ एंड यार एट वेल, ठीक है, एंड यार ऑल द यू हार्ड वर्क हैज इनडीड कम फॉर द फ्यूचर, वी आर ग्लैड टू दैट यू मेड डीएसयू योर चॉइस, ठीक है। तो आपका यहां पे इन्होंने ग्रीटिंग्स दिया है कि आपका यार जो आपका चॉइस है डीएसयू में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हम यहां पे सौभाग्यशाली है कि आपने डीएसयू को चूज करा, ठीक है। एंड यार एज वी गेट रेडी टू वेलकम यू आर वेलकमिंग गैदरिंग सम इन्फॉर्मेशन ऑन द इनकमिंग क्लासेस टू हेल्प अस टू नो योर बेटर एंड ऑल्सो प्लान फॉर द अराइवल एट द डीएसयू यूनिवर्सिटी, आई रिक्वेस्ट यू टू फिल द शॉर्ट सर्वे क्लिकिंग बाय द एनी लिंक ऑफ द बिलो। ये दोनों लिंक एक ही है यार, ये बस शॉर्ट लिंक है एंड ये बिग लिंक है, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि इस मेल का जो सबसे पहला जो पर्पस है यार यहां पे लिखा हुआ है आपके क्लासेस का, जो आपके 25 नवंबर से आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आपके जो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आगे का यहां पे इनका सर्वे ले रहा है कि आपके पास यहां पे ऑनलाइन सारी चीजें है या नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं इस फॉर्म को कि किस प्रकार से हम भरेंगे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे जो आपका यार यहां पे मेल आया होगा, या तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन हुआ यहां पे ये कमेंट एंड यार या आपका लिंक मिल जाएगा, आपको कुछ इस प्रकार का यहां पे ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो आपको हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको अब क्लियर दिख रहा होगा। एंड यार यहां पे साफ साफ यहां पे देखना है, देखो यार आपके पास जब ये मेल डायरेक्टली डीएसयू की तरफ से आया है तभी आपको यहां पे क्लिक करना है, जो भी आपको सर्वे आया है ये डीएसयू की तरफ से ही आया होगा एंड अन्यथा अगर कहीं और से आया तो उसको क्लिक मत करना, ठीक है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है डिजिटल सर्वे, ठीक है, ये सर्वे है एक तरीके का आपके सभी यहां पे डीएसयू स्टूडेंट्स के लिए के अंदर हो रहा है जिसका एडमिशन यहां पे सिक्योर्ड हो गया है डीएसयू के अंदर। एंड यार इस फॉर्म का लास्ट डेट है 16 नवंबर, 16 नवंबर से पहले आपको इस फॉर्म को भरना मैंडेटरी है, ऑल द क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, ठीक है। तो आपको हम एक एक करके जानता लगाते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से हमें भरना है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको मेल यहां पे नाम भरना है, पूरा नाम जो आपके आपके डीएसयू में है, ठीक है, जो आपका यहां पे एप्लीकेशन में भरा था आपने पूरा नाम, वही मेल आपको यहां पे नाम भरना है। हम कोई भी मेल नाम यहां पे भर लेते हैं, आप सीधी बात हम मैं अपना नाम भर देता हूं, वैसे मैंने अप्लाई नहीं करा था, फिर भी हम यहां पे करते हैं। मैं साल लास्ट में सबमिट नहीं करूंगा, सबमिट आपको ही करना पड़ेगा, बस आपको दिखा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में कैसे जवाब देना है आप सभी को, ठीक है। तो यहां पे हम सभी को एक एक करके मेल भर लेते हैं, हम कोई भी मेल भर लेते हैं, अपना ही मेल भर लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो हमने यहां पे मेल अपना भर लिया एंड यार यहां पे आपको सब चीजें वही डीएसयू के अकॉर्डिंग करना है जो आपके डीएसयू में है, ठीक है। आप अपना यहां पे मेल भरना, मेरा मेल मत भर देना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अपना नंबर भरना है, जो भी आपका नंबर होगा, मैं कुछ भी रैंडम नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। एंड आपके पास यहां पे डीएसयू का आईडी भरना है, डीएसयू के आईडी का जो आपकी डीएसयू से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लॉगिन करनी है एंड लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है यार, जो डैशबोर्ड आपको खुलता है यहां पे आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन में जाना है एंड माई एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपके पास यहां पे ही आपका ये डीएसयू आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे कॉपी करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहां पे आपको इजीली यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। अगर
आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके पास यहाँ पे फोन होगा, फोन से आपको भरना पड़ेगा। जब फोन होगा तो आपके पास यहाँ से कॉपी नहीं होगा, क्योंकि यार यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है इस वेबसाइट पे। तो आपको करना क्या है, एक पेज पेन पेपर लेके उस पे लिख लेना है ये डिटेल, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, एंड फिर यहाँ पे जाके इसको भर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे भर दिया है, कोई भी हम रैंडम भर देते हैं, इसकी कोई टेंशन वाली लेने बात नहीं है। यहाँ पे हम फिर कोई भी कोर्स हम अपना चूज कर लेते हैं, जो भी हमें कोर्स मिला है वही करना है आप सभी को। ये सभी के लिए है, डीएसयू के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी, फार्मेसी के लिए भी, लेटर एंट्री के लिए भी, एंड हमारे पास यूजी कोर्सेज के लिए भी। ठीक है, तो हम कोई भी रैंडम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं अपना ही जो हमने हमारा जो है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर लिया, एंड यार फिर आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास इंग्लिश आप किस में किस चीज में कंफर्टेबल है, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, तीनों फॉर्म का इंग्लिश का दे रखा है। वेन नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कंफर्टेबल, तो रीडिंग हमारी क्या है, कंप्लीट है पूरी तरीके से, एंड यार राइटिंग भी हमारे पास हम अच्छी तरीके से आती है हमें इंग्लिश, एंड यार स्पीकिंग में काफी बच्चों को कम आती है, तो हम यहाँ पे चलते हैं क्वाइट कंफर्टेबल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपको यार पूरी तरीके से इंग्लिश आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीकिंग पे वेरी कंफर्टेबल कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्यादा यहाँ पे लोग है वो है हमारे पास कम कंफर्टेबल वाले, तो हम यहाँ पे मीडियम कंफर्टेबल या क्वाइट कंफर्टेबल लेके चलते हैं। फिर आपको करना है नेक्स्ट, जब नेक्स्ट करोगे यार तो आपके पास कुछ आगे का प्रश्न खुल जाएंगे, उस कुछ प्रश्न के अंदर यार आपके पास कुछ इतने सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक एक करके यहाँ पे चलते हैं, इसके पीछे का अब रीजन बताऊंगा कि क्या तरीके कैसे आपका होगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के पीछे एक रीजन है, मैं बताते चलूंगा सभी के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव अ स्मार्टफोन, तो आपके पास क्या करना है, सभी के पास स्मार्टफोन है, अभी के समय में सभी के पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आपका क्या करना है, यहाँ पे नो कर देना है, बट हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम यस लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो हर एक दिन का आपके पास कितनी लिमिट है। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर अभी जो रिचार्ज करवाते हैं वो 1 GB पर डे का ही करवाते हैं। ठीक है, या आपके पास 2 GB या 1.5 GB चाहिए या ऊपर का है आपके पास, तो आप यहाँ पे भर देना। ठीक है, वैसे यार हमें ज्यादा मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे लेके चलते हैं 1 GB पर डे के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादा है वो 1 GB वाले ही है। ठीक है, एंड यार फिर आपके पास है विच अदर फंक्शन डिवाइस डू यू हैव, तो आपके पास क्या अलग सी चीज है फोन के अलावा, स्मार्टफोन के अलावा आपके पास क्या अलग चीज है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है या नॉन है। तो हमारे पास क्या है, लैपटॉप हम लेके चलते हैं। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करना है, नॉन पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं नीचे, फिर इसके पास है इफ यू आंसर नॉन, अगर आपने इस वाले क्वेश्चन में नॉन का जवाब दिया है तो आर यू एबल टू बाय अ लैपटॉप बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, अगर आप यहां पे संभव है तो आपको करना है यस या नहीं, या अन्यथा यहां पे इफ यू ऑलरेडी हैव अ लैपटॉप और टैबलेट, तो आपको क्या करना है, यहां पे अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो आपको यहां पे क्लिक करना है, जिसने यार यहां पे लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट क्या क्लिक कर रखा है तो आपको उसको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पर जवाब देना है। एंड जिसके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि पहले ही कॉलेज स्टार्ट होने से पहले अगर लैपटॉप खरीद सकता है तो वहाँ पे उसको यस कर देना है, अन्यथा नहीं कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये यार ये चीज ले क्यों रहे, ये क्यों मांग रहे हैं भैया, देखो यार इसका साफ सीधे मतलब यहाँ पे क्लासेस से मतलब है, जो आपके आपकी यार क्लासेस होगी 25 नवंबर से, उसके में आपकी क्लासेस किस प्रकार से होगी, ऑफलाइन करवाएंगे यार या ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे तो उसी के लिए सर्वे है, ऑनलाइन के लिए किस कितने बच्चे यहाँ पे है, अगर कम बच्चे पाए गए ऑनलाइन के लिए तो आपके जो क्लासेस है वो ऑफलाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास इज द डिजिटल डिवाइस यू आर हैविंग द लैपटॉप स्क्रीन, जो भी आपके पास यहाँ पे डिजिटल डिवाइस है, पर्सनली डिवाइस या आप शेयर करते हो किसी फैमिली मेंबर से, तो हमारे पास पर्सनल है तो पर्सनल लेके चलते हैं, या डिवाइस अगर शेयर करते हो यहाँ पे क्लिक कर देना शेयर, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना नो। ठीक है, तो हम चलते हैं पर्सनल पे, एंड या फिर आगे चलते हैं डू यू हैव द स्टेबल ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन है आपके पास, अगर है तो यस कर देना, नहीं नहीं है तो नहीं करते हैं, तो हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे नहीं करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है आर यू व्हाट इज योर फैमिली एनुअल इनकम, जो आपने डीएसयू में भरा था वही करना है हमें इसे। ठीक है, तो हमारे पास हम चलते हैं इसको छोटा सा लेके चलते, ज्यादा हमारे यहाँ पे तनख्वाह नहीं है, तो आपके पास अगर बीपीएल है तो बीपीएल लेके चलता, अगर बिटवीन द 2.5 लाख से 5 लाख पर एनम है तो यहाँ पे लेके चलता, 5 से 10 लाख है तो यहाँ पे ये क्लिक कर देना, और 10 लाख से 15 ऐसे है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो यहाँ पे आगे का प्रश्न है यार व्हाट वाज द लास्ट एनुअल फी यू पेड इन द स्कूल, आपने पहले स्कूल जो आपने स्कूल पास आउट किया या आईटीआई करी है, जो भी आपने पहले करी है, तो उसमें हमने एनुअल फीस कितनी पे करी है, तो हम यहाँ पे चलते हैं 5000 के आसपास हम लेके चलते हैं। देखो उतनी तो फीस थी भी नहीं, 5000 कम ही फीस है, लेकिन जिसकी अगर ज्यादा है वहां पे ये लेके चलना। स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो
आपने जो भी पैसे खर्चे करे एंड यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। हम लेके चलते हैं लेस देन 5000 रुपीज एंड फिर आपके पास है यहाँ पे लिखा हुआ डू यू हैव अ पर्सनल स्पेस अवेलेबल फॉर द योरसेल्फ, यू कैन ऑनलाइन टेक क्लासेस। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन से साफ साफ मतलब यहाँ पे पता चल जाता है इस सर्वे का मेन फंक्शन यही है ऑनलाइन क्लासेस के जो आपके 25 नवंबर के बाद होंगे स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपके पास है अगर आपका पर्सनल रूम है तो आपका करना क्या है यस, अन्यथा आपको नो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है इफ यू आंसर्ड यस, अगर आपके ऊपर आपने यस जवाब दिया तब आपके लिए ये क्वेश्चन है इन योर वुल डे हाउ लॉन्ग यू इन द स्पेस अवेलेबल, आप उस जगह को जो आपका पर्सनल जो आपका जगह है उस रूम को आप कितने दिन यूज करते हो। तो हम करते हैं ऑलरेडी मोर देन 8 आवर्स हम करते हैं, ठीक है, हमारा ही रूम है तो हम मोर देन 8 आवर्स करते हैं, जो भी है जिसका भी है लिख देना आप अपने हिसाब से, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप, अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो यस कर देना अन्यथा नो कर देना। एंड हैव यू अप्लाइड एनी स्कॉलरशिप, कोई आपने अप्लाई करी है स्कॉलरशिप, नहीं जी हमने नहीं करी है अप्लाई, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के जवाब साइड जवाब देने के बाद आपको क्या करना है सबमिट कर देना है। सबमिट मैं करके नहीं दिखाऊंगा अन्यथा ये बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जिसको यार देखो मैं पहले बता दूं ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उसी को भरना है जिसने अपनी सीट यहाँ पे कंफर्म कर ली है डीएसयू में अंदर, ठीक है, जिसको कॉलेज मिल गया है एंड जिसको सारी चीजें हो चुकी है आपकी सारी चीजें, ठीक है, फीस वगैरह सब सारी चीज कर दी है उसने, ठीक है। तो इसके बाद आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगर कोई और डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना यार। साफ साफ बता दूं ये लास्ट डेट इसकी 16 नवंबर है, अगर आपके पास 16 नवंबर से पहले अगर आपने कर सकते हो तो आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे कंप्लीट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है डीएसयू की तब आपको 16 नवंबर से पहले ही भरना है इसको। ये जो फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत करना अगर आपके पास मेल नहीं आया। इस मेल का फंक्शन ये है, इस सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको करना क्या है डीएसयू को ये सर्वे एनालिसिस करेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सभी को आगे की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है। काफी बच्चों का डाउट था कि भैया हमारे पास यहाँ पे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो मैं साफ साफ बता दूँ इस सर्वे के बाद ही उनको पता चलेगा कि हमारे पास जो ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन वाले है या ऑफलाइन वाले, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम समाप्त करते हैं अपना आज का वीडियो, आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक।